लाइसोसोम का हमने देखा कि उसका काम क्लीनिंग पर्पस था, सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक करना था, और अगर डैमेज हो जाए तो बस्ट होके सुसाइड बैग्स की तरह काम करना भी लाइसोसोम का एक वर्क था। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एनर्जी देता है। पावर हाउस, जैसे पावर हाउस से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पावर मिलती है, तो सेल को पावर कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। तो इस सेल का क्या है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, तो इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन का कवर होता है। तो फिर देखो इसमें भी मेम्ब्रेन है, सब सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है, मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो बाहर की मेम्ब्रेन क्या होती है, वो पोरस होती है, व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड। अभी इसके पढ़ने के बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे, या पहले हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो, ये देखो बाहर एक मेम्ब्रेन है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन देखो फोल्ड हो रखी है, फोल्ड होके देखो स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा है, ठीक है। और इसे आप जूम करके देख सकते हो, अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या कर रही है, फोल्ड हो रखी है, फोल्ड होके डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, तो फोल्ड हो रखी है। दीज फोल्ड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये फोल्ड से क्या होता है कि एरिया इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, किसके लिए, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो एटीपी क्या होती है, हमारी बॉडी को पावर देती है, तो एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखो कैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, देखो अगर ये एक ट्यूब है, अगर इस पे मान लो मैं कहता हूं कि एक ये वायर है, इस वायर पे ही केवल रिएक्शन होगी, माना इस वायर पे ही रिएक्शन होगी, तो आप चाहते हो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो क्या करोगे, आप ये अंदर जो वायर है इसे ऐसे मोड़ दो, जितना ज्यादा से ज्यादा मोड़ दोगे तो उतना ज्यादा से ज्यादा वायर इसमें चला जाएगा, और जितना ज्यादा वायर होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी। तो देखो इस पे ये वायर थोड़ा सा है तो थोड़ी सी रिएक्शन होगी, इसमें देखो थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा वायर चला गया है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए गोल्जी बॉडी के अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, ऐसे ही फोल्डेड होती है। फोल्ड होने से क्या होती है, सरफेस एरिया नहीं, उसका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, और रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है रिएक्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे रिलीज करता है, जो डिफरेंट लाइफ की एक्टिविटीज के लिए चाहिए, एटीपी फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एटीपी का नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए। तो आपको कुछ भी खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, रुपए लेके जाते हैं और खरीद लेते हैं। तो एनर्जी, अगर एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी। एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी। द बॉडी यूजेस एनर्जी टू स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो बॉडी क्या करती है, यूज करती है एनर्जी स्टोर इन एटीपी। एटीपी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका बॉडी क्या यूज करती है, नए केमिकल कंपाउंड बनाने में करती है और मैकेनिकल वर्क। जैसे आप जो भी डिफरेंट काम करते हो तो उसकी एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी जनरेट होती है उससे। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों सबसे अलग है, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो इनके पास अपना, अपने राइबोसोम और अपना डीएनए होता है, देयर फोर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स होने की वजह से क्या कर पाते हैं, ये अपना खुद का प्रोटीन बना पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का देख लिया कि पावर हाउस है, और ये हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी देता है, कैसे, एटीपी की फॉर्म में। करेंसी क्या है, एनर्जी की, एटीपी। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में ही होते हैं प्लास्टिड्स, पहली चीज तो, कि कहां पे होते हैं, प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ट्रोमोप्लास्ट
एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो कितने तरीके के प्लास्ट होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं दो तरीके के, एक तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड। तो यहां पे एक वर्ड आया क्रोम, तो क्रोम वर्ड का मतलब ही कलर होता है। क्रोम वर्ड का मतलब क्या होता है? कलर। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? व्हाइट और कलरलेस। तो दो तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट में जो है उसमें क्या होता है? पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और उन्हें क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो वो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट भी कई तरीके हो सकते हैं ना, वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो देखो सबसे पहले प्लास्टिड्स थे, किस किस में टूटे? दो पार्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। इस क्रोमोप्लास्ट में भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कलर्ड वाले में, उसमें से भी क्लोरोफिल जिसमें होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जिसमें क्लोरोफिल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो ये तो आपको सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट से ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में केवल क्लोरोफिल नहीं होता, डिफरेंट टाइप के येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब कलर, पिगमेंट्स का मतलब कलर, इस टाइप के और भी होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन। तो येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मेटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है कि इसमें ये कौन से ऑर्गेनेल्स है जिसमें क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो ये सब स्टोर होते हैं किसमें? ल्यूकोप्लास्ट। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मेटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो अंदर का जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें क्या होता है? कई सारी मेम्ब्रेन होती है, न्यूमरस मेम्ब्रेन यानी कई सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, एम्बेडेड यानी उसमें लगी हुई मेटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा मेटीरियल में लगी हुई कई सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती है। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो कैसा होता है देखने में? ये सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से देखने में। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स बेसिकली खाली जगह है, खाली जगह है, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। सैक्स का मतलब क्या है यहां पे? सैक का मतलब क्या होता है कि खाली जगह। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो क्या है ये? खाली जगह है किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल्स। तो वैक्यूल्स जो खाली जगह होती है ये कैसी होती है? एनिमल सेल्स में छोटी होती है, स्मॉल साइज होती है। वाइल्ड प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल्स में कैसी होती है? वैक्यूल्स बड़ी होती है। तो ये हमने 8th क्लास में इसे देखा था कि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल खाली जगह थी वो बहुत बड़ी थी, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटी थी। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स मे ऑक्यूपाई 80-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो कई बार क्या होता है कुछ प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल होती है, जो सबसे बड़ी वैक्यूल होती है, वो 50-90% यानी आधे से या आधे से ज्यादा पार्ट उसका वॉल्यूम का यानी ले लेती है। तो कितनी बड़ी वैक्यूल होती है? 50-90% बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। तो किस चीज से भरी होती है? सेल सैप से भरी होती है। एंड प्रोवाइड टर्जिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। तो ये रिजिडिटी उसको बेसिकली हेल्प करती है रिजिड बनाने में सेल को, ठीक है।